कम्युनिकेशन या ट्रांसफ़र फ्रॉम वन सेंडर टू रिसीवर के बीच में किसी न किसी माध्यम से उसके अंदर एरर आ चुकी है। उस केस में क्या करेगा रिसीवर, उसको डिस्कार्ड करेगा, और रिमेनिंग जो टेक्निक्स हैं उस केस में, डिस्कार्ड के बाद में जो रिमेनिंग टेक्निक्स हैं रिट्रांसमिशन वाली, तो वो प्रोसेस वो उसको फॉलो करेगा। तो देखते हैं ये किस तरह से काम करता है। ये है कि सी आर सी इज़ ए रिडंडेंसी एरर टेक्निक यूज टू डिटरमाइन द एरर। फॉलोइंग आर द स्टेप्स यूज इन सी आर सी फॉर एरर डिटेक्शन। इन सी आर सी टेक्निक ए स्ट्रिंग ऑफ एन जीरोज इज अपेंडेड टू द डेटा यूनिट एंड दिस एन नंबर इज लेस देन द नंबर ऑफ बिट्स इन ए प्री डिटरमाइंड नंबर नॉन एज द डिविजन विच इज एन प्लस वन बिट्स। अपन देखेंगे इसको एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, तब हम इसको समझेंगे कि ये एन किसकी बात कर रहे हैं और एन प्लस वन हम किसकी बात कर रहे हैं। सेकेंडली द न्यूली एक्सटेंडेड डेटा इज डिवाइडेड बाई द डिवाइजर यूजिंग ए प्रोसेस इज नॉन एज बाइनरी डिविजन। द रिमाइंडर जनरेटेड फ्रॉम दिस डिविजन इज नॉन एज द सी आर सी रिमाइंडर। थर्डली, यानी तीन स्टेप में काम करेंगे। थर्डली द सी आर सी रिमाइंडर रिप्लेस द अपेंडेड जीरोज एट द एंड ऑफ द ओरिजिनल डेटा। दिस न्यूली जनरेटेड यूनिट इज सेंड टू द रिसीवर। द रिसीवर रिसीव द डेटा फॉलोड बाई द सी आर सी रिमाइंडर। द रिसीवर विल ट्रीट दिस होल यूनिट एज ए सिंगल यूनिट एंड इट इज़ डिवाइडेड बाई द सेम डिवाइजर दैट वॉज यूज टू फाइंड द सी आर सी रिमाइंडर। इफ द रिजल्टेंट ऑफ दिस डिविजन इज जीरो विच मीन्स दैट इट हैज़ नो एरर एंड द डेटा इज एक्सेप्टेड। इफ द रिजल्टेंट ऑफ दिस डिविजन इज नॉट जीरो विच मीन्स दैट द डेटा कंसिस्ट ऑफ एन एरर देयर फॉर द डेटा इज डिस्कार्डेड। ये एग्जाम्पल हैं, एक एग्जाम्पल अपन सिंपल सा ले लेते हैं कि किस तरह से ये काम करेगा। पहला स्टेप ये इसका ये है कि आपके जो हम बाइनरी डिवीजन बेस पे काम करते हैं, हमें रिमाइंडर इसका फाइंड आउट करना है। रिमाइंडर आपका क्या रहेगा, सी आर सी रहेगा। तो इस तरह से अपन जनरली जो मल्टी डिवीजन वाला जो पार्ट करते हैं वो कैसे करते हैं कि किसी का हम किसी में भाग देते हैं इस तरह से, है ना। तो ये तो है आपका डेसिमल वाला, तो ये हम करेंगे बाइनरी में। यानी कि आपको कोई सेट ऑफ बिट्स का, एक सेट ऑफ बिट्स में आपको भाग देना है। तो सपोज़ डेट कि ये आपके इस तरह से हैं, जीरो जीरो वन जीरो इस तरह से कुछ हैं, है ना जी। तो ये तो आपके डिविडेंड हैं और ये आपका क्या है, डिवाइज़र हैं, जो आपका आएगा भागफल जिसको हम क्वोशेंट कहते हैं। और एक आप रिमेनिंग क्या रहेगा आपका, रिमाइंडर। तो हमें क्या निकालना है, रिमाइंडर। और ये जो रिमाइंडर रहेगा ये भी, ये क्या होगा आपका, सी आर सी। रिमाइंडर क्या रहेगा आपका, सी आर सी। सी आर सी को क्या करेंगे, आपका जो ओरिजिनल डेटा है ना, जिसको हम कहते हैं कोड वर्ड बोलते हैं, कि आपका जो कोड वर्ड है वो होगा आपका जो ओरिजिनल मैसेज प्लस में ये सी आर सी है, ये बन जाएगा। और फिर हम उसको भेज देंगे। तो पहला काम हमारा ये है कि रिसीवर साइड में उसी डिवाइजर से वापस जो ओरिजिनल मैसेज उसको, यानी कि कोड वर्ड उसको मिला है, उसमें वापस भाग देंगे। रिमाइंडर अगर जब जीरो रह जाता है तब डेटा को एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये चीज़ दो तरीके से आ सकती है। एक तो आपको यानी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में पूछ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको इस तरह से कुछ दे दिया, क्या कहते हैं डिवाइजर, जैसे मान एक्स क्यूब प्लस टू एंड सॉरी वन, है ना, या मान लो एक्स टू प्लस वन, या मान लो एक्स थ्री प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, कुछ इस तरह से भी दे सकते हैं। तो करना क्या है कि कोएफिशिएंट के माध्यम से इसका डिवाइजर हमें पता करना है। दूसरी बात कीजिए, इसका जो सी आर सी होगा वो कितने बिट का होगा, कि इस वाले पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट जो डिग्री होगी उतनी बिट का ही आपका क्या होगा, पॉलिनोमियल। सपोज डेटा आपके पॉलिनोमियल में, वैसे पॉलिटेक्निक एग्जामिनेशन में पॉलिनोमियल से संबंधित कोई सवाल आने की संभावना बहुत ही कम है, रेयर ऑफ रेयरेस्ट हैं, अभी तक मैंने देखा नहीं है। पॉलिटेक्निक एग्जामिनेशन में जो सवाल पूछा जाएगा वो सीधा पूछा जाएगा, डायरेक्टली आपको डिवाइजर दे दिया जाएगा,
और डिविडेंड भी दे दिया जाएगा, और डायरेक्टली आपको उसमें क्या करना है, बाहर करना है। वो इस तरह से देते हैं कि सपोज डेट आपको एक वो दे दिया डिवाइजर 1010 है ना, और डिविडेंड दे दिया सपोज डेट 1011 0 0 और 1, इस तरह से दे दिया 1011 0 0 1। अब ये जो इसको हम बोलते हैं एन बिट, ये तो क्या है आपकी एन बिट, ठीक है ना, ये है एन प्लस वन बिट, सॉरी ये है आपकी एन प्लस वन बिट। तो आपकी जब आप भाग दोगे तो उसमें एन माइनस, इसको अगर आप एन मानते हो तो यहाँ एन माइनस वन बिट्स करना है, इसको अगर एन प्लस वन मानते हो तो इसमें हम एन बिट करेंगे, यानी कि इसको जो लास्ट में अपेंड क्या करेंगे, 3 0 अपेंड करने हैं, क्योंकि 4 हैं बिट, तो यहाँ आप कितने जीरो अपेंड करोगे, 3 0, कितने जीरो अपेंड करोगे, 3 0। ओके, अब ये है आपका मोडुलो 2 पे ये काम करेगा, मोडुलो 2 पे ये वर्क करेगा। ओके, सो हम अब हम इसके क्या करते हैं, इसमें हम भाग दे देते हैं। तो भाग देने के बाद कैसे क्या होगा कि ये जो वर्क करेगा वो करेगा आपके एक्स और पे, है ना, एक तरह का एक्स और पे, यानी कि अगर 0 0 होगा तो सेम बिट होगी तो आपका रहेगा 0, और डिफरेंट बिट होगी तो आपका रहेगा जो रिजल्ट है वो रहेगा 1। तो इसमें आप भाग दे दो इसमें 1 0 1 0 एक्स और, है ना, एक्स और की बात करेंगे, एक्स और पे, तो ये डिफरेंट बिट है तो 1, सेम बिट है तो 0 0 0, फिर आप ऊपर से उतार लो 0 0 और 1, स्टार्टिंग ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम द 1, तो 1 0 1 0 हो गया, डिफरेंट बिट है तो 1, नहीं सेम बिट है तो 0, बाकी ये 0 आ जाएंगे, ठीक है, ऊपर से क्या हो गया, 1 हो गया, तो फिर हम उतारेंगे 0 और 0, इसके बाद में हम क्या उतारेंगे 1 0 1 0। अब ये क्या आ जाएगा, डिफरेंट बिट है तो है ना, डिफरेंट बिट है तो ये दोनों 0 0 है, तो ये आपका रहेगा 0, और ये आपकी 0 है तो आपका रहेगा 1, ठीक है ना, और ये दोनों 0 थे ना, तो ये 0, ये 1 और ये 0 रहेगा, एक लास्ट रहता है हम उतर रहे हैं 1 0 1 0, तो 0 और ये 1 और ये 1, तो आपका रिमाइंडर क्या रहेगा, ये 1 1 0, तो कितने बिट का रिमाइंडर होगा, अगर आपकी ये एन बिट हैं, ये अगर एन है तो आपका रहेगा एन माइनस वन, इसको अगर एन प्लस वन मानते हैं तो ये आपका रहेगा एन, तो ये आपका रिमाइंडर 1 1 0 क्या रहेगा आपका सी आर सी, ये क्या रहेगा आपका सी आर सी। तो जब आप भेजोगे तो हम भेजेंगे इसको किस में भेजेंगे इसको, कि आपके पास जो ओरिजिनल मैसेज था वो था 1 1 0 1 1 और 0 0 1, ठीक है, और आपके पास जो रिमाइंडर है वो क्या रहा है, 1 1 और 0। इसको हम सेंटर के साइड से भेजेंगे, इसको क्या हम सेंटर के साइड से भेजेंगे, इसको हम सेंटर से भेज देंगे, और जब आपका रिसीवर साइड में आएगा तो रिसीवर साइड में वापस क्या सेम चीज़ होगी, सेम से रिसीवर का सही, वो तो सेंटर के साइड था, अब रिसीवर के साइड में आ जाओ, रिसीवर साइड में क्या रहेगा, रिसीवर साइड में आपका रहेगा 0 1 0 1 0, और ये आपका क्या रह जाएगा 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0, ये आपका रिमाइंडर वाला था, तो ये होगा 1 0 1 0, एक्स और पे करना है डिफरेंट बिट पे 1, सेम बिट पे 0, तो 1 0 और बाकी ये रहेगा आपका 0, ठीक है, ऊपर से उतारो 2 0 और उतार दो, 2 0 और 1, 2 0 और 1 और उतार दिया,
ये रहेगा 1010, तो ये हो गया 1 1, बाकी 0 रह जाएगा। ऊपर से क्या उतार दिया मैंने, 1 और 1 उतार दिया, ठीक है। अब क्या रह गया मेरा, 1010, ओके। ऊपर से क्या रह गया हमारा, 1010, तो ये रह गया आपका 1 0 और 1, ठीक है, और ये गया 0। ऊपर से मैंने 0 उतार दिया तो 1010, और ऊपर से मैंने 0 उतार दिया तो 1010, ये रहेगा 0 0 0 और 0। तो हमारा रिमाइंडर क्या रहेगा, 0। तो हम क्या करेंगे, डेटा को एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर सपोज डेट कि ये रिमाइंडर आपका 0 नहीं रहता है ना, रिमाइंडर अगर 0 नहीं रहता, यानी कि अगर सीधे हम बोलें कि अगर रिमाइंडर है, रिमाइंडर है वो अगर 0 हो जाता है तो डेटा को हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। और अगर रिमाइंडर है वो नॉन जीरो रहता है तो हम डेटा को क्या करेंगे, डिस्कार्ड, हम क्या करेंगे उसको, डेटा को डिस्कार्ड करेंगे। तो इस तरह से आपका जो सीआरसी है वो आपका काम करता है, ठीक है। तो ये सारा वही सारी चीज़ें हैं थर्ड, और ये हमने एक एग्जांपल लिया है, इसमें जो हम देख लेते हैं। जैसे ये लिया 1001 का हमने एग्जांपल ले लिया, 1001, तो ये लास्ट के हमने जो 4 बिट, अगर ये एन कितनी है, 4 बिट का है, तो इसमें जो अपेंड ऑन होगी 0 वो कितनी रहेगी, n-1, ये कितनी रहेगी, n-1, यानी कि 3 बिट रहेगी। ये आपका रह गया, ये आपका सीआरसी आ गया, रिमाइंडर आ गया, ये आपका है सीआरसी, ठीक है। तो सीआरसी क्या होगा, आपके जो ओरिजिनल डेटा प्लस में ये सीआरसी हो जाएगा, तो ये आपका फाइनल डेटा बना और इसको हम भेज देंगे। और ये चेकर के साइड में क्या होगा, वापस उसी को हम करेंगे, ठीक है ना। तो ये इसका एक्स और पे ये वेस्ट पे ये बाइनरी डिवीजन हो रहा है, पर ये जो आपका रिमाइंडर है वो क्या रह गया, 0। तो 0 के केस में हम डेटा को हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। और अगर ये नॉन जीरो रहता तो हम डेटा को क्या करते हैं, हम रिजेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे ये जो क्या कहते हैं सीआरसी हैं, साइक्लिक रिडंडेंसी कोड या साइक्लिक रिडंडेंसी चेक हैं, ये काम आपका करता है। BTR एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये कई बार सवाल पूछा गया है, सो इसको आप बहुत ही अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें। अलग कोई भी आप एग्जांपल ले लें, ज़रूरी नहीं है कि जो एग्जांपल इस वीडियो में दिखाए गए हैं उसी का आप यूज़ करो, आप अपने हिसाब से कोई भी एग्जांपल लेके उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो और बहुत अच्छा लगेगा और आपको मज़े भी आएंगे। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं कि अगले वीडियो में मिल जाता है तो इस केस के अंदर किसी तरह की कोई एरर अगर नहीं होगी। और अगर सपोज डेट ये किसी तरह का डेटा ये है आपका, ये डेटा आपका हो जाता है सपोज डेट कि आपका हो जाता है 1, ये डेटा क्या हो जाता है आपका 1, ये डेटा आपका हो जाता है जैसे सपोज डेट 1 हो जाता है, इसका मतलब जो ये बिट है ये आपकी आवाज़ की चेंज होगी, ये बिट क्या हुई, चेंज होगी। तो ऐसी कंडीशन या सिचुएशन जब आपका ओरिजिनल डेटा सेंडर से रिसीवर तरफ भेजते हैं तो वो मिसमैच हो जाता है, तो इस तरह की कंडीशन या सिचुएशन को हम कहते हैं एरर का उत्पन्न होना। आगे देखते हैं, ये एरर कितनी तरीके की हो सकती हैं, ये अभी जो प्रीवियस स्लाइड में अपन ने देखा, ये एक बिट की हो सकती हैं, एक बिट की भी हो सकती हैं, और दूसरी हो सकती है कि एक से ज़्यादा बिट की हो सकती है, जिसको हम कहते हैं मल्टी बिट कहते हैं, ठीक है ना, मल्टी बिट, या हम उसको कहते हैं रो बस्ट एरर,
तो इस तरह से अगर मान लो सिंगल बीटी चेंज हो रही है पूरे पैकेट के अंदर, तो उसको हम कहेंगे सिंगल बिट। और एक से ज़्यादा अगर एरर आपकी आ रही है तो उसको हम कहते हैं मल्टी बिट एरर या बस्ट एरर। तो उसको चेक करने के हमारे पास तरीके हैं, जो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ द एरर। सो एरर, व्हाट इज एरर? एन एरर इज कंडीशन, और व्हाट इज कंडीशन और सिचुएशन व्हेन द ट्रांसमिटेड डेटा रिसीव एट द रिसीवर साइट इज नॉट आइडेंटिकल, इज नॉट आइडेंटिकल ट्रांसमिटेड बाय द सेंडर। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल ले लिया, तो उसमें जो ये जो वन था वो आपके यहाँ की होगी चेंज। सो द ओरिजिनल डाटा विच इज सेंडिंग या सेंट बाय द सेंडर, वो आपके रिसीवर की, ये आपका सेंडर है और ये आपका क्या है रिसीवर, तो रिसीवर साइड में नहीं मिला है। तो इस कंडीशन को या इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे कि आपके सिग्नल के अंदर एरर, उसके इसको हम कहेंगे एरर। और एरर किस वजह से आएगी, ये यानी कि एक वन बिट है कि जीरो में कन्वर्ट किस वजह से हुई, उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। आपके हो सकते हैं कि वॉइस की वजह, नॉइस की वजह से हो सकती हैं, थर्मल इम्पैक्ट की वजह से हो सकती हैं, आपके मैकेनिकल इम्पैक्ट की वजह से हो सकती हैं, आपके वॉइस एम्पलीट्यूड सिग्नल कंप्रेशन की वजह से हो सकती हैं, आपके जीटर की वजह से हो सकती हैं, आपकी सिंक्रोनाइजेशन नहीं है तो उस वजह से हो सकती है, क्रॉस टॉक की वजह से हो सकती है। सो दीज आर का रीजन बाई विच एरर में भी आकर। आगे अपन देखते हैं कि ये एरर कितने टाइप की हो सकती हैं। एक तो आपकी है कि सिंगल बिट एरर, जो अपने प्रीवियस वाली स्लाइड में देखा था वो थी सिंगल बिट एरर, यानी कि या तो यार आपकी जीरो से क्या हो जाएगी वन हो जाएगी, या फिर वन से क्या हो जाएगा जीरो। क्यों, हम बाइनरी की बात करें, डिजिटल आपके जीरो वन में आपके सारे रिप्रेजेंटेशन होता है। सो या तो ये जीरो से वन फ्लिप हो जाएगी या वन से जीरो हो जाएगी। अगर एक ही बिट चेंज हो रही है पूरे डेटा के अंदर तो हम उसको कहेंगे सिंगल बिट एरर। और अगर एक से ज़्यादा हो रही है, टू और मोर हो रही है, टू और मोर हो रही है, तो हम उसको कहेंगे बस्ट एरर। उसको हम क्या कहेंगे, बस्ट एरर। तो बस्ट एरर ये आपके एमसीक्यू का एंड में सवाल पूछ सकते हैं, तो आप इसको ध्यान रखें कि टू और मोर बिट्स आर चेंज फ्रॉम जीरो टू वन और वन टू जीरो इज नॉन बस्ट एरर। द बस्ट एरर इज डिटरमाइंड फ्रॉम द फर्स्ट करप्टेड बिट टू द लास्ट करप्टेड बिट। जैसे मान लो एक बिट तो ये चेंज हो गई कि जीरो हो गई, दूसरी बिट ये चेंज हो गई तो ये क्या हो गई, ये भी जीरो हो गई, तो दो बिट चेंज हुई है। तो अगर उसकी लेंथ ऑफ बस्ट एरर निकालनी हो तो आपकी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जिसे उसकी लेंथ होगी, जैसे मान लो वन टू थ्री और फोर, कितनी होगी फोर, तो इसकी बस्ट एरर कितनी हो जाएगी आपकी, चार है ना, फोर हो जाएगी, ये पाँच नहीं चार हो जाएगी, इसकी बस्ट एरर कितनी हो जाएगी फोर। ओके इसकी तो बस्ट एरर कितनी हो जाएगी। मल्टी बिट में क्या होगा कि कुछ दूसरी बिट यानी कि चेंज हो जाएगी, तो ये लेंथ ऑफ द बस्ट एरर आ सकती है इस तरह से। ये आपकी कुछ वेल नॉन टेक्निक्स हैं जिससे हम एरर को पता लगा सकते हैं कि कौन कौन सी कहाँ एरर आई है, जिसमें है सिंगल पैरिटी चेक। सिंगल पैरिटी चेक में भी हम देखते हैं इवन, और एक हमारे पास होती है ऑड पैरिटी चेक, एक और है टू डायमेंशन चेक, और एक है आपके चेकसम और आपकी सीआरसी है ना, सीआरसी। तो ये जो दो हैं, सिंगल पैरिटी चेक एंड टू डायमेंशन चेक, वो आप हमें इस वाले वीडियो रिकॉर्ड में देखेंगे। और रिमेनिंग जो दो हैं चेकसम, अपन एक सिंगल सेपरेट वीडियो में देखेंगे, और ये वाली भी एक सेपरेट में देखेंगे। सिंगल पैरिटी चेक में क्या होता है कि ये आपके या तो इवन होगी या ओड होगी, यानी कि आप एक एक्स्ट्रा बिट भेजोगे। एक्स्ट्रा बिट यानी जिसको हम बोलते हैं रिडंडेंट बिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा बिट। एक्स्ट्रा बिट है वो आपके ओरिजिनल डेटा के साथ भेजेंगे, जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा बिट, या उसको हम कहते हैं रिडंडेंट बिट।
रिडंडेंट बिट बोलते हैं, या पैरिटी चेक बिट बोल सकते हैं, है ना, पैरिटी चेक बिट बोल सकते हैं उसको। ये हमारे ओरिजिनल जो मैसेज हैं उसके साथ भेजी जाएगी। तो ये हमारे जो जिसको हम बोलते हैं कोड वर्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं कोड वर्ड, इसको हम बोलते हैं कोड वर्ड बोलते हैं। तो कोड वर्ड होगा वो क्या होगा, कोड वर्ड होगा, है ना, वो होगा आपका ओरिजिनल मैसेज प्लस में आपके रिटेंडेंट बिट, इसको हम भेजेंगे। ये हम भेजेंगे सेंडर की साइड में, उसको कैलकुलेट करके। अगर आप इवन पैरिटी को यूज़ कर रहे हो तो टोटल नंबर ऑफ वंस आपके कोड वर्ड वर्ड के अंदर क्या होने चाहिए, इवन होने चाहिए। और अगर आप ओड पैरिटी को यूज़ कर रहे हो तो टोटल नंबर ऑफ वंस जो आपके कंप्लीट मैसेज एम प्लस आर कितना होना चाहिए, आपका ओड होना चाहिए। इसको अगर इसमें चेंज हो जाएगी, और दूसरी बात ये है, जैसे मान लो सपोज है आप इवन पैरिटी को यूज़ कर रहे हो, तो सपोज ये इस तरह से कोई मैसेज है ना, इस तरह से कोई मैसेज है और आप इवन पैरिटी को यूज़ कर रहे हो, तो ये वाली जो बिट है वो क्या होगी, वन होगी कि जीरो होगी, ये आपकी होगी, ये आपकी रहेगी आपके पास वन, ये क्या होगी वन हो जाएगी। उसका कारण क्या है कि ये टोटल नंबर ऑफ वंस इंक्लूडिंग योर रिडंडेंट बिट मस्ट बी द वेदर इफ यू आर यूजिंग द इवन पैरिटी, तो आपके इवन होने चाहिए नंबर ऑफ वंस, और अगर आप ओड को यूज़ कर रहे हो तो आपके नंबर ऑफ वंस क्या होने चाहिए, ओड होने चाहिए। तो वन टू थ्री, तो ये इवन कब बनेंगे, जब आप इसमें वन पैरिटी लगाओगे, तो ये आपकी वो इवन बन गई। सपोज डेट कि आप उसको ओड में यूज़ कर रहे थे, ओड यूज़ करनी है, उस केस के अंदर यहाँ आप क्या हो जाएगी, आपकी जीरो हो जाएगी, क्योंकि वन टू थ्री, थ्री इज़ द ओड नंबर। सो नंबर ऑफ वंस इन द कोड वर्ड मस्ट बी वेदर यू आर यूजिंग द इवन पैरिटी, इवन पैरिटी चेक को यूज़ कर रहे हैं तो नंबर ऑफ वंस आपके होने चाहिए इवन, और ओड पैरिटी को यूज़ कर रहे हो तो आपके नंबर ऑफ वंस क्या होने चाहिए, ओड होने चाहिए। ये काम आपके क्या रहेगा, सेंडर की साइड होगा, और जब रिसीवर के साइड में पहुंच जाएगा मैसेज, तो वापस यही इसी सेम मेथड को यूज़ करते हुए उसको क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे। सपोज डेट इसी को हम यूज़ कर रहे थे, और इसके अंदर क्या हुआ कि सपोज डेट आपका वन जीरो वन और जीरो है, ठीक है, और आपने इवन पैरिटी को यूज़ किया है, ये इवन पैरिटी, तो ये हो जाएगा जीरो, तो ये तो आपका सेंडर हो गया। जब रिसीवर का साइड में पहुँचेगा, सपोज डेट ये है, ये आपके हो गया वन वन जीरो वन और वन, तो यहाँ पे तो आपके पास क्या आती है, जीरो, लेकिन ये वाली जो बिट है वो क्या हुई, चेंज हो जाएगी, ये जीरो से क्या हो गई, वन हो गई, तो एक बिट हो गई। उससे हम क्या करें, वन टू थ्री, आपने क्या यूज़ किया था, इवन पैरिटी को यूज़ किया, क्या यूज़ किया है आपने, इवन पैरिटी को यूज़ किया है, तो ये आपको क्या दिखा रही है, जीरो, और यहाँ पे आपके जो नंबर ऑफ वंस कितने हैं, ओड। इसका मतलब ये हुआ कि इस कोड के अंदर किसी न किसी तरह की कोई बिट चेंज हुई है। अब कौन सी वाली बिट चेंज हुई है इसका हम पता नहीं लगा सकते, तो ये सिर्फ चेक कर सकती हैं, ये यानी कि एक सिंगल बिट, एक बिट को जो है, एक बिट की जो एरर है उसको चेक कर सकती हैं, है ना, मल्टी बिट को नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये सारा इसी का है। कुछ फायदे, फायदे वही हैं, इट कैन डिटेक्ट ओनली सिंगल बिट एरर, ये बहुत ही MCQ टाइप के जो प्रश्न हैं उसमें इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं कि सिंगल पैरिटी चेक है वो नंबर ऑफ बिट्स को, बिट्स की एरर को चेक कर सकते हैं, तो उसमें आपका आंसर रहेगा वो रहेगा सिंगल बिट एरर को, सिंपल जो पैरिटी चेक है चाहे वो इवेन हो चाहे ऑड हो, वो सिंगल बिट एरर को ही चेक कर सकते हैं। If more than single bit are changed, then it cannot detect the error because it is only count the number of ones, जैसे कि अपन पहले बात की। इसके बाद हम बात करते हैं 2D की, टू डायमेंशनल एरर। ये भी आपके सिंपल पैरिटी चेक के तरह ही काम करता है। इसमें हम क्या करते हैं कि उसमें हमने निकाला था एक रो के एंड में उसकी नंबर ऑफ वंस की पैरिटी उसमें ऐड की थी,
इसमें हम करेंगे रो की भी पैरिटी चेक करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और आपकी जितने भी रोज़ हैं उसकी भी हम पैरिटी को कैलकुलेट करेंगे। और इसके बाद में जो रो पैरिटीज़ और जो आपकी कॉलम की जो पैरिटीज़ हैं उसको भी हम, जो आपका ओरिजिनल मैसेज है उसके साथ में भेजेंगे। कैसे काम करेगा ये? सपोज डैट ये इस तरह से दो रो है, ओके। तो सबसे पहले हम करेंगे इसकी रो पैरिटी को कैलकुलेट करेंगे। फिर हम एक और रो लेंगे यहाँ पे, ये फिर कॉलम की पैरिटी को भी कैलकुलेट करेंगे, वो आपकी यहाँ यहाँ आ जाएगी। तो कॉलम की पैरिटी और ये आपकी क्या हो जाएगी, रो की पैरिटी। जब ये सारी कैलकुलेट हो जाएगी तो हम जब ओरिजिनल मैसेज के साथ भेजेंगे तो आपका ब्लॉक वन, फिर जाएगा ब्लॉक टू, फिर ये वाली है, ये सारे के सारे। अब ये पैरिटी भी साथ में जाएगी और ये कॉलम की भी आपकी क्या जाएंगी, साथ में जाएगी। ये प्रोसेस होगा आपके सेंडर की तरफ, और रिसीवर एंड में भी सेम प्रोसेस यूज़ करते हुए हम इसकी रो पैरिटी को हम कैलकुलेट करेंगे और कॉलम पैरिटी को भी हम कैलकुलेट करेंगे। इसमें एक ये है कि अगर दो रो में, सपोज डेट कि हमने ये रो ली थी, की वाली रो ली है, दो रो में सेम प्लेस की बिट अगर चेंज हो जाती है, सपोज डेट यहाँ की बिट चेंज हो गई और एक यहाँ बिट चेंज हो गई, इसी तरह से सेकंड रो में या किसी और रो में भी यहाँ की बिट चेंज हो गई और ये यहाँ की बिट चेंज हो गई, दो डिफरेंट ब्लॉक में या दो डिफरेंट पैकेट के अंदर सेम प्लेस की अगर बिट चेंज हो जाती है, उस केस के अंदर ये पैरिटी चेक नहीं कर पाता। इसको हम आगे देखेंगे विद एग्जांपल। सपोज डेट कि हम ये, जैसे एग्जांपल है, ये ओरिजिनल डेटा था, ये वाला ओरिजिनल डेटा है, और एक ब्लॉक ये है आपका, एक ब्लॉक आपका ये है, और एक ब्लॉक ये है, और एक ब्लॉक ये है आपके पास, यानी कितने ब्लॉक है, चार ब्लॉक, यानी ब्लॉक वन, ब्लॉक वन, ब्लॉक टू, ब्लॉक थ्री और ब्लॉक फोर। अब इसके मैंने इवन पैरिटी को यूज़ किया है, किसको किया है, इवन पैरिटी को। तो नंबर ऑफ वंस आपके जो पैकेट वन है इसमें कितने होने चाहिए, इवन होने चाहिए, वन टू थ्री फोर फाइव, तो यहाँ पे मेरी पैरिटी का सेट होगी वन। इसी तरह से वन टू थ्री फोर फाइव, तो पैरिटी का सेट होगी वन टू थ्री, तो पैरिटी मेरी का सेट हो जाएगी वन, वन टू थ्री फोर फाइव, तो पैरिटी क्या हो जाएगी वन सेट। इस तरह से मैं ये कॉलम वाले करूँगा, वन टू थ्री, तो मेरी पैरिटी क्या हो जाएगी वन सेट, पैरिटी क्या हो जाएगी वन। इस तरह से क्या होगा कि ये रो की पैरिटीज़ हैं और ये मेरी क्या निकल गई, कॉलम की पैरिटीज़। इसके बाद में सेंडर से मैं क्या करूँगा, सेंडर साइड में ये जो कंप्लीट, यहाँ तक तो ओरिजिन था, इसके साथ ये पैरिटी बिट, इसके साथ ये यहाँ तक पैरिटी बिट, यहाँ तक पैरिटी बिट, यहाँ तक पैरिटी बिट, और ये इन सारों को मैंने सेंटर से भेज दिया, तो ये पैरिटी बिट भी इसके साथ आ गई। फिर सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक, फोर्थ ब्लॉक, और लास्ट वाली जो कॉलम पैरिटी उसको मैं भेजूँ, और सेम चीज़ मेरे क्या होगा, रिसीवर के साइड में चेक हो जाएगी, सेम चीज़ क्या होगी, मेरे रिसीवर साइड में चेक हो जाएगी। इसकी चीज़ ये है कि अगर मान लो दो ब्लॉक के अंदर या दो पैकेट्स के अंदर, है ना, दो पैकेट्स के अंदर आपके, तो इस वाले एग्जांपल को हम देखते हैं कि सपोज डेट कि आपके ये वाली बिट हो गई जीरो, है ना, और ये वाली बिट हो गई वन, इस तरह से ये वाली बिट हो गई जीरो और ये हो गई आपकी वन, तो नंबर ऑफ वंस इस वाले में क्या रहेगा, सेम रहेंगे, इसमें भी सेम रहेंगे, और इसमें भी क्या, ये दोनों जीरो जीरो हो गई, तो वन और टू इवन पैरिटी हो गई, इसमें वन वन हो गई, तो ये वन वन वन, और ये तो फिर इवन पैरिटी हो जाएगी। तो इस तरह से अगर मान लो दो बिट एक साथ, दो बिट दो अलग अलग ब्लॉक में सेम प्लेस में अगर चेंज हो जाती हैं, तो इस केस के अंदर
ये यानी कि बिट एरर को चेक नहीं कर पाता। कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं वो हम देख लेते हैं। इफ़ टू बिट्स इन वन डेटा यूनिट आर करप्टेड एंड टू बिट्स एग्जैक्टली द सेम पोजिशन इन अनदर डेटा यूनिट आर ऑल्सो करप्टेड देन टू डायमेंशनल पैरिटी चेक विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट द एरर। दिस टेक्निक कैन नॉट बी यूज टू डिटेक्ट द 4 बिट्स एरर और मोर इन सम केसेस। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।